आज हम बनाएंगे प्रॉन्स फ्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें लगेगा 250 ग्राम प्रॉन्स। प्रॉन्स को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और उसके नस निकाल लिए हैं। इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे, थोड़ा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर का आटा डालेंगे थोड़ा सा, और इसे अच्छी तरह हम मिला लेंगे ताकि नमक और मसाला ये प्रॉन्स में मिल जाए। और इसे हम एक घंटे के लिए ढककर साइड में रख देंगे। एक घंटे बाद हम देखेंगे, ये इसे हमें अच्छी तरह एक बार वापस मिला लेना है। और इसमें हमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा रवा डालना होगा, जिससे कि ये प्रॉन्स आपका काफ़ी क्रिस्पी हो। और फिर अच्छी तरह इसे वापस हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमें डीप फ्राई करना होगा, तो कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल गर्म होते ही हमें एक एक इसके पीसेस डाल के इसे हमें डीप फ्राई करना होगा। और गैस की आंच हमें स्लो रखनी है, स्लो में ही करना है, ताकि ये अच्छी तरह पक भी जाए और काफ़ी कुरकुरित हो। ये देखिए, मैंने एक एक करके इसे डीप फ्राई किया है। ये काफ़ी हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये जैसे आपका एक साइड से हो जाए, इसे हमें फोक और चम्मच की हेल्प से पलट लेना हो। इसे हमें दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई करना है। आप देख सकते हैं, ये देखने में ही काफी टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। ये रेसिपी बच्चों को काफी पसंद आएगी। आप अपने बच्चों को एक बार खिलाकर देख सकते हैं और हम भी इसे खा सकते हैं। आप भी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, अब हमारा प्रॉन्स फ्राई हो गया है। अब इसे हम गरम गरम सर्व करेंगे। ये आप स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं और बच्चों को ये आप रोटी से भी खिला सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।